कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद इसी वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है, सो देखते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर Z1 = X + I1 and Z2 = X2 + I (Y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, ठीक है। देन Z1 + Z2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे इसको अभी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 और दूसरा क्या Z2, अगर इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब उसमें भी एक रियल पार्ट रहेगा और उसमें भी एक इमेजनरी पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो Z1 + Z2 = X1 + I (Y1) + Z2 क्या है, X2 + I (Y2। तो यहाँ पर ये जो रियल पार्ट है उसको एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, X1 + X2 + I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, Y1 + Y2। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है, यहाँ पर जो है ये जो आपका हो गया, ठीक है, X1 + X2, और इधर क्या है I (Y1) + Y2। तो यहाँ पर X1 + X2 को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 का रियल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 का इमेजनरी पार्ट बोलेंगे। क्योंकि ऐड करने के बाद भी I यहाँ पर रह ही जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया है वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, तो वो भी क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि Z1 = 5 + 3I and Z2 = 6 + 4I, और इस दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इस दोनों को अगर ऐड करना है तो यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 मीन्स X1 + X2। X1 क्या था, इसका रियल पार्ट था, सॉरी यहाँ पर X1 होगा, X1 क्या था, इसका रियल पार्ट है, और X2 क्या है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 + 6 = 11 कर देंगे और 3 + 4 = 7I कर देंगे, ठीक है। दोनों का रियल पार्ट ऐड कर देना है और दोनों का इमेजनरी पार्ट को ऐड कर देना है, मीन्स Z1 + Z2 = 5 + 6 = 11 और 3 + 4 = 7I हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 + Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद। अब हम लोग इसी में फिर क्या देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी इसी के जैसा है, ठीक है। मान लीजिए क्या कि यहाँ पर इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 - Z2 हम लोग इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिएगा, अब Z1 - Z2 को इसमें फाइंड करते हैं, ठीक, रिजल्ट क्या आता है। तो Z1 - Z2 = X1 + IY1 - X2 + IY2। तो X1 + IY1 यहाँ से क्या ब्रैकेट इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये X2 - I (Y2)।
उसके बाद रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, देन एक्स वन माइनस एक्स टू, उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, आई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस आई इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो यहाँ पर ये जो एक्स वन माइनस एक्स टू दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का रियल पार्ट दिख रहा है, और वाई वन माइनस वाई टू ये क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू दिख रहा है। मतलब ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसको वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, प्लस आई इंटू दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जेड वन अगर दिया हुआ है फाइव माइनस थ्री आई, एंड जेड टू अगर दिया हुआ है थ्री प्लस टू आई, ठीक है, थ्री प्लस टू आई, तब जाकर हम लोग अगर फाइंड करना है जेड वन माइनस जेड टू, तो इतना यहाँ पर कभी नहीं, इतना यहाँ पर नहीं, बिना लिखे भी चल सकता है, सीधे क्या कर देंगे, फाइव माइनस थ्री लिख सकते हैं, फाइव माइनस थ्री प्लस आई इंटू आई के साथ यहाँ पर कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री और माइनस यहाँ पर क्या है, टू है, ये हो जाएगा, तो क्या बच गया, टू प्लस आई इंटू माइनस फाइव, इसको लिख सकते हैं क्या, टू माइनस फाइव इंटू आई, ये क्या हो गया, जेड वन माइनस जेड टू आ गया। तो दोनों में एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों में क्या सेम ही कॉन्सेप्ट था लगभग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इससे थोड़ा सा क्या डिफरेंट है, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। इफ इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या देखना है हमको, मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर भी क्या है, इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, एंड जेड टू दिस, देन जेड वन इंटू जेड टू भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो चलिएगा, तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड क्या करना है, जेड वन इंटू जेड टू आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा लेकिन क्या आएगा वो भी देख लेंगे, डायरेक्ट हम लोग फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जेड वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस आई इंटू वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई इंटू वाई टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस आई इंटू वाई टू, अब फिर इसको एक बार मल्टीप्लाई फिर इस दोनों से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आई इंटू वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई इंटू वाई टू। तो अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस आई इंटू एक्स वन इंटू वाई टू प्लस आई इंटू एक्स टू इंटू वाई वन प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर आई इंटू आई, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ये आपका हो गया आई स्क्वायर, वाई वन इंटू वाई टू हो जाएगा, वाई वन इंटू वाई टू। अब इसमें भी क्या करना है कि रियल पार्ट को एक साथ करना है और इमेजनरी पार्ट को एक साथ करना है। तो रियल पार्ट जिसके साथ आई नहीं लगा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट बोल देंगे। यहाँ पर एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है और आई इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर आई जो है वो क्या है, स्क्वायर है, इसमें क्या आई स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है, यहाँ से आई रिमूव हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ आई इसमें बचेगा और आई इसमें बचेगा, तो आई हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आई कॉमन लेने के बाद एक्स वन इंटू वाई टू प्लस एक्स टू इंटू वाई वन बचेगा और यहाँ पर माइनस में वाई वन इंटू वाई टू बचेगा, चूंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा, अब यहाँ से एक्स वन इंटू एक्स टू
और यहाँ पर भी ये भी अब क्या रियल पार्ट हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा वाई वन इंटू वाई टू, ठीक है, अब प्लस आई इंटू एक्स वन इंटू वाई टू प्लस एक्स टू इंटू वाई वन। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या हो, रियल पार्ट हो गया किसका, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का, और इसके साथ आई है, ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ सॉरी इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी देख लिया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कि एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग लिखते हैं जेड वन इक्वल्स टू फाइव प्लस थ्री इंटू आई एंड जेड टू लिख रहे हैं यहाँ पर जेड टू टू माइनस फाइव इंटू आई। अब हमको इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है जेड वन इंटू जेड टू। एक तो आप प्रोसेस से कर सकते हैं इस तरह से दोनों को मल्टीप्लीकेशन वन बाय वन करके एक एक स्टेप आपका लास्ट में आएगा, नहीं तो यदि आप इसको याद रख पा रहे हैं इस चीज़ को तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस वाई वन इंटू वाई टू। तो यहाँ पर ये आपका हो गया क्या एक्स वन प्लस आई इंटू वाई वन और ये क्या हो गया एक्स टू प्लस आई इंटू वाई टू। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो आया वो क्या है एक्स वन इंटू एक्स टू आया, मीन्स क्या फाइव इंटू टू हो जाएगा, तो फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर क्या माइनस है, वहाँ पर पहले से क्या माइनस है, माइनस में क्या वाई वन इंटू वाई टू है, वाई वन यहाँ पर थ्री हो गया और वाई टू यहाँ पर माइनस फाइव हो गया, थ्री इंटू माइनस फाइव करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन होगा और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। ठीक, प्लस आई इंटू अब देखिएगा यहाँ पर फिर क्या x1 वन इंटू वाई टू है, तो x1 वन फाइव इंटू वाई टू क्या है माइनस फाइव, तो फाइव इंटू माइनस फाइव कितना हो जाएगा माइनस 25। फिर यहाँ पर क्या है प्लस है, अब क्या x2 टू इंटू वाई वन है, एक्स टू इंटू वाई वन, तो x2 टू यहाँ पर क्या हो गया 2 और y1 कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। देन आफ्टर 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा प्लस आई इंटू 25 माइनस 25 प्लस 6 माइनस 19 होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या माइनस 19 इंटू आई। तो यहाँ से ये क्या बिना स्टेप किए हुए डायरेक्ट आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। याद ऐसे रख सकते हैं इसको कि एडिशन और सबट्रैक्शन तो सेम है, रहा क्या मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है क्या एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस वाई वन इंटू वाई टू प्लस, अब जो इमेजनरी पार्ट जो आएगा वो इसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, एक्स वन इंटू वाई टू, ठीक है, प्लस में इसके उल्टा क्या माइनस पर माइनस का भी उल्टा कर दीजिएगा प्लस हो जाएगा एक्स वन इंटू वाई टू प्लस एक्स टू इंटू वाई वन। डायरेक्ट आप वहाँ से क्या प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, बिना स्टेप को फॉलो किए हुए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको कैसे सबट्रैक्शन करते हैं उसका, और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखें, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।